वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स में जो फेडरलिज्म चैप्टर है उसके 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जांपल कौन कौन है? कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है ऐसे काम जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, तो वो कौन से हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी कम्युनिकेशन, ये सब। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व। जो पंचायती राज जो गांवों में चलता है उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आते हैं विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है? जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर का। चिल्ड्रन देखो, आपकी जो बुक्स है उसमें दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो अब ऐसा नहीं है, वहां पर भी हट गया है। तो अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको जाना है जेएनके के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? यूएसए। हियर आर थ्री रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया। लैंग्वेज पॉलिसी जो इंडिया में फॉलो होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ इंडिया। तो जो लैंग्वेज पॉलिसी है, हर लैंग्वेज का सम्मान करना, हर धर्म का सम्मान करना, इससे क्या फायदा होता है? द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। जो हमारी यूनिटी है, एकता है, उससे और ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट। मतलब एक ही कंट्री है, वो ही आपस में अपने आप को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे, ठीक है, उसमें पावर में। ये है फेडरलिज्म। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजली हैव। कितने लेवल होते हैं इसमें? फेडरलिज्म में 3 लेवल होते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। कितने कंट्रीज हैं जो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं? 25। In a federal system, the central government dash order to state government to do something. अब आपको पता है इंडिया में भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े से ज्यादा राइट है, थोड़ी सी ज्यादा पावर है, तो वो क्या कर सकती है? वो ऑर्डर दे भी सकती, जरूरी नहीं है ऑर्डर चलाएगी ही चलाएगी, तो हम यूज करेंगे मे ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती है जिसमें ये क्या कर सकती है? इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जरूरी नहीं है हर बात का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देती फिरे। इट इज आंसरेबल टू द पीपल, लेकिन जो लोग वोट देके उस सरकार को लेके आए उन्हें तो आंसर करना ही पड़ेगा। सो राइट आंसर है डी, बी एंड सी। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own specific. अब देखो, government में कई तरह के वो हैं, जैसे police भी government में आती है, banking sector भी आता है, currency का भी आता है, defense का भी आता है, सबका अलग अलग jurisdiction है, ठीक है, न्याय प्रणाली जो है सबका अलग अलग अपना administration है, अपना system है। So right answer है B. Can the fundamental provisions of the constitution be unilaterally changed by one level of government? अब तीन level हैं, ठीक है, central level पे भी है, state level पे भी है, और एक गांव वाले level पे भी है, ठीक है, community level पे भी है। तो क्या कोई भी एक level भारत के या किसी भी देश के जो fundamental rights हैं वो change कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, no. When independent states come together on their own to form a bigger unit. छोटे छोटे जो कंट्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो एक साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं हम मिलके एक ही वो बना देंगे, जिससे हमारी पावर भी बढ़ेगी, हमारी यूनिटी भी बढ़ेगी। सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। कोई इस पे अटैक करेगा तो ये तीनों इसकी हेल्प करने आ जाएंगे, कोई इस पे अटैक करेगा तो ये तीनों इसकी हेल्प करने। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन आर प्रैक्टिस बाय विच कंट्रीज।
सो ये कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। अब दूसरा, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड। अभी तक क्या था, पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा, छोटे छोटे जो नेशन है वो एक साथ आ गए कि भैया हम पांचों एक साथ हैं, ठीक है। और एक है कोई बहुत बड़ा इंडिया की तरह, तो उसने क्या किया, अपने बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में, स्टेट्स में, कि भैया ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये एमपी है, ये बिहार है, उसने बांट दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, ये सिस्टम फॉलो हो रहा है आपका इंडिया में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है। विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया? यूनियन लिस्ट में क्या आता है, जो आपका बैंकिंग है वो आता है यूनियन लिस्ट में। चिल्ड्रन हमने अपना टेलीग्राम लिंक इंग्लिश बाबा 123 आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस, यूपी पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज? इनमें से कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी या दोनों ही लॉज बना सकती हैं? तो वो किस पे बना सकती हैं, ट्रेड यूनियन पे। व्हाट इज मेंट बाय रेजिड्यूरी सब्जेक्ट? रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जब आपने डिवाइड वाले सवाल पूछे थे बचा हुआ, तो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उन्हें बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट अंडर द रेजिड्यूरी लिस्ट, क्या है इसका एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टेट सच एज आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया प्रदेश, हो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इन्हें कुछ स्पेशल पावर मिली हुई है अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दीज प्रोविजन, और इन्हें कौन से, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें ये प्रोविजन मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है इन्हें इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड इंडिजिनस पीपल। गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज का एक फीचर आपको बताना है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग से पावर है इन्हें रन करने के लिए। चिल्ड्रन अनअकैडमी पे आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप रेफरल कोड लखन02 यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए, एनी वन कोर्स ऑन अनअकैडमी, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ, अगर कोई भी चेंज करना है तो वो दोनों हाउसेस में जाएगा पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट विद एटलीस्ट, और उसमें कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, कम से कम 2/3, मिनिमम 2/3 वोट होने चाहिए एक साइड, तब जाके कुछ सोचा जा सकता है उसके बारे में, नए रूल बनाने के। द क्रिएशन ऑफ डैश वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। सो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाइज, जो पहला और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो ये था। ऑन विच बेसिस वर स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड, किस बेस पे क्रिएट हुए हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट, हिंदी जो है लगभग 40% लोगों की मदर टंग है। बिसाइड्स हिंदी देर आर अदर लैंग्वेजेस, हिंदी को छोड़ के और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी और लैंग्वेजेस हैं, 21, जिन्हें क्या किया गया, कहा गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, जो कोएलिशन गवर्नमेंट का जो इरा है वो कब शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है 1919। सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड, जो जनगणना 2011 में हुई थी, रिकॉर्डेड मोर देन डैश डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, तो सेंसस ने जो 2011 के रिकॉर्ड के हिसाब से 1300 से ज्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, जिन्हें पीपल लोगों ने कहा है, इंडिया के लोगों ने, कि ये उनकी मदर टंग है। इन द डेटा फॉर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच इज द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स आफ्टर हिंदी, तो पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, बंगाली लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जा रही है। एज फॉर इंग्लिश ओनली 10% इंडियंस रिकॉर्डेड एज देयर मदर टंग, अगर इंग्लिश की बात करें तो कितने लोगों ने इसे
कितने परसेंट लोगों ने इसे अपनी मदर टंग माना है? ओनली 0.02%। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, फेडरल गवर्नमेंट का डिस्टिंग्विश फीचर क्या है? पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट रहती है तीनों लेवल पे, लेजिस्लेचर पे भी, एग्जीक्यूटिव में भी और जुडिशरी में भी। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी, इसके बाद एक और जरूरत पड़ी कि भैया लोकल गवर्नमेंट और बनाई जाए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव? तो ये कब बनाया गया? 1992 में। इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एट लीस्ट ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड। जो लोकल गवर्नमेंट होंगे उसमें लगभग 1/3, एक तिहाई जो सीट है वो रिजर्व रहती है औरतों के लिए।